morning students, how are you all? Welcome to my channel students. Today we are going to read poem Little by Little of your this Marigold book. So students, open page number 23. Let's start the poem. Little by little an acorn set. Now what is acorn? Acorn is the fruit of a oak tree. Acorn jo hai wo oak tree ka fruit hai, phal hai. तो एकन क्या कहता है, लिटिल बाय लिटिल एंड एकन सेड, धीरे धीरे एकन ने क्या कहा, एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड, स्लोली स्लोली जो सीड है वो मिट्टी के अंदर चला गया, बेड मीन्स हियर द बेड ऑफ सॉइल, मिट्टी के बिस्तर में वो धीरे धीरे बीज चला गया नीचे. I am improving every day. Now that seed is saying that it is improving every day. हर दिन वो धीरे धीरे improve हो रहा है, मतलब यहाँ बढ़ रहा है. Hidden deep in the earth away. और कहाँ पर वो छुपा हुआ है, अर्थ के नीचे, जमीन के नीचे बीज छुपा हुआ है. Little by little each day it grew. और थोड़ा थोड़ा हर दिन वो बढ़ता है. Little by little it sipped the dew. Dew क्या है, ओस की बूंदे. तो धीरे धीरे वो ओस की बूंदों को सिप करता है, पीता है और मिट्टी में धीरे धीरे पड़ता जाता है. Downward it sent out a thread like root. और बीज ऊपर बढ़ रहा है और नीचे भी बढ़ रहा है. नीचे क्या कर रहा है, वो एक thread like धागे की तरह अपनी जड़ों को नीचे फैला रहा है. Up in the air sprang a tiny shoot. और ऊपर हवा में, मिट्टी के ऊपर एक छोटा सा शूट कहते हैं जो अभी अभी अंकुरित हुआ पौधा है. तो ऊपर भी वो पौधा बढ़ रहा है और नीचे धागे की तरह अपनी जड़ें फैला रहा है. Day by day and year by year, little by little the leaves appear. कैसे बढ़ता है पौधा, डे बाय डे, हर एक दिन बढ़ता है वो, प्रतिदिन बढ़ता है. एंड ईयर बाय ईयर, हर साल बढ़ता है. लिटिल बाय लिटिल द लीव्स ईयर, और इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसमें छोटी छोटी पत्तियां आ जाती हैं. एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और उसकी जो पतली पतली टहनियां हैं वो धीरे धीरे दूर दूर तक फैल जाती हैं और चौड़ी हो जाती हैं. टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, जब तक वो छोटा सा जो एकन था, ओक का बीज था, वो जब तक बड़ा होकर के एक ओक ट्री नहीं बन जाता और जंगल का गर्व कहलाता है. जंगल को अपने उस ओक ट्री पर गर्व है. जब तक वो छोटा सा एकन का बीज बड़ा होकर एक ओक ट्री नहीं बन जाता, तब तक वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ अ सीड ग्रोज. इसी तरह से एक बीज बढ़ता है. यहाँ पर एकन के बीज की बात की गई है, एकन की बात की गई है. किसी भी पौधे का बीज इसी तरह से बड़ा होता है. पहले आप उसे मिट्टी में बोते हैं, फिर उस पर पानी डालते हैं, सनलाइट की सहायता से, मिट्टी की सहायता से और हवा की सहायता से वो धीरे धीरे क्या होता है, एक पौधे में बदल जाता है और पौधा बड़ा होकर के पेड़ बन जाता है. और जमीन के नीचे वो कैसे बढ़ता है, उसकी जड़ें जमीन के नीचे बढ़ती हैं, जो प्लांट को होल्ड करती हैं, पकड़ कर रखती हैं, जमीन पे खड़ा रहने में सहायता करती है. सो दिस इज द वंडरफुल पोयम, हाउ अ सीड बिकम्स द ट्री. एक छोटा सा बीज कैसे बड़ा होके धीरे धीरे एक पौधा और फिर एक पेड़ बन जाता है. नाउ लेट्स राइट फ्यू न्यू वर्ड्स स्टूडेंट्स, एंड वी विल ऑल्सो राइट इट्स मीनिंग्स. हम नए शब्द भी लिखेंगे और उनके अर्थ भी लिखेंगे. सो लेट्स राइट वर्ड मीनिंग्स विच आर गिवन इन द बुक. वर्ड मीनिंग्स, फर्स्ट वर्ड विच इज गिवन हियर, जो पहला शब्द दिया है वो है हिडन. हिडन मीन्स क्या होता है, छुपा हुआ. हिडन मीन्स छुपा हुआ, या इसे आप कह सकते हैं आउट ऑफ साइट, जो हमारी नजरों से दूर हो, हमें दिखाई ना दे, आउट ऑफ साइट. दूसरा शब्द क्या है आपकी किताब में, स्लोली. स्लोली मतलब धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे, लिटिल बाय लिटिल. नेक्स्ट वर्ड जो आपकी बुक में है, डाउनवर्ड. डाउनवर्ड मीन्स नीचे की तरफ बढ़ना, पौधा
पौधे का जो बीज है वो ऊपर भी बढ़ता है और नीचे भी बढ़ता है, नीचे जड़ों के रूप में और ऊपर पौधे के रूप में. सो डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, यू कैन से डिसेंडिंग. फोर्थ वर्ड जो आपकी बुक में है वो है स्लेंडर. स्लेंडर मतलब दुबला पतला सा, कमजोर सा, थिन. सो स्लेंडर यू कैन से स्लिम. देन फिफ्थ वर्ड विच इज गिवन इन योर बुक इज माइटी. माइटी मतलब पावरफुल, बहुत ताकतवर. MIGHTY माइटी. माइटी मीन्स पावरफुल. माइटी पावरफुल, ताकतवर. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रांचेस. ब्रांचेस क्या होती हैं? टहनिया. ब्रांचेस टहनियों को कहते हैं, ऑफ शूट भी कह सकते हैं, जो स्टेम में से निकलकर फैल जाती हैं चारों तरफ, टहनिया. नाउ सेवेंथ वर्ड. सेवेंथ वर्ड इज प्राइड. प्राइड मीन्स गर्व. यू कैन से प्लेजर. प्राइड प्लेजर, जो खुशी दे, जिस पर हमें गर्व हो. एट्थ वर्ड है इम्प्रूविंग. इम्प्रूविंग मतलब बढ़ना, अपग्रेड होना. इम्प्रूविंग अपग्रेड. नेक्स्ट इज सिप्ड. सिप्ड मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज को पीना. जैसे चाय को हम पीते नहीं है, हम सिप करते हैं. तो यू कैन राइट ड्रिंक, धीरे धीरे पीना. देन नेक्स्ट इज शूट. शूट क्या कहते हैं? जब बीच में से छोटा सा पौधा निकल आता है उसको शूट कहते हैं. आप स्प्राउट इसका मीनिंग लिख सकते हैं, छोटा सा पेड़ का अंकुर, स्प्राउट. सो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल वर्ड मीनिंग्स. ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे हार्ड वर्ड्स हैं जिनके हमने मीनिंग लिखे हैं. हिडन, आउट ऑफ साइट, आंखों से दूर. स्लोली, लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे. डाउनवर्ड, डिसेंडिंग, नीचे की तरफ जो जा रहा है. स्लेंडर मीन्स दुबला पतला, कमजोर, स्लिम. माइटी पावरफुल, बहुत ताकतवर. ब्रांचेस ऑफशूट, टहनियां. प्राइड प्लेजर, गर्व. इम्प्रूविंग अपग्रेड होना, इम्प्रूव करना, सुधरना. इम्प्रूविंग अपग्रेड, सुधरना. सिप्ड ड्रिंक, धीरे धीरे पीना. ड्रिंक स्लोली यू कैन से. शूट स्प्राउट, जो छोटा सा अंकुर निकलता है. तो ये थे वर्ड मीनिंग्स इस चैप्टर के. चलो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं बच्चों. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रीडिंग इज fun section. So next we are going to do reading this fun section where three questions are there. So let's do these question answers. Name the tree that the acorn grows into. Acorn जो है वो किस पेड़ में बदल जाता है बड़ा होके. Write down the answer. आपका answer question से ही शुरू होगा. The acorn grows into an oak tree. Acorn किस में बदल जाता है बड़ा होकर के? Oak tree में बदल जाता है, क्योंकि ये इसका फल है, इसका बीज है, और बीज बड़ा होकर के उसी पेड़ में वापस बदल जाता है. The acorn grows into an oak tree. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो. एक सीड को, एक बीज को बढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? राइट डाउन द आंसर. अ सीड नीड्स एयर, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो. एक सीड को, एक बीज को बड़े होने के लिए हवा चाहिए,
चाहिए, पानी चाहिए और मिट्टी की जरूरत है बढ़ने के लिए. हाउ मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोयम? इस पोयम में आपको कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मिलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का पूरा वीडियो स्टूडेंट्स देखने के लिए आप इस आई बटन पर क्लिक करके पूरा वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं. आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं. तो आइए यहाँ पर आंसर लिखते हैं. द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स found in the poem are describing words जो noun को describe करें. Mighty, then slender. Mighty, slender, tiny. पिक्चर वन और पिक्चर टू. पिक्चर वन क्या बता रही है? वो चीजें जो हमें पेड़ देता है. और पिक्चर टू बता रही है वो चीजें जो हम पेड़ों को देते हैं, जो मनुष्य पेड़ को देता है. सो पेड़ हमें क्या देता है? पेड़ हमें, आप पिक्चर में देख सकते हैं, फल देता है. यू कैन सी इन द पिक्चर. पेड़ हमें सब्जियां देता है, दवाइयां देता है चिड़ियों के रहने के लिए. घोंसले भी चिड़िया पेड़ में ही बनाती है. और दूसरी पिक्चर है जिसमें हम पेड़ को क्या देते हैं, हम क्या देते हैं, बहुत सारी चीजें फेंकी हुई है. हम पॉल्यूशन देते हैं पेड़ को, उसकी लकड़ियों को हम फर्नीचर बनाने में यूज करते हैं, उसकी लकड़ियों का हम आग जलाने में प्रयोग करते हैं. और हमारे जो पॉल्यूशन, हार्मफुल केमिकल्स जो हम हवा में छोड़ते हैं, उससे पशु पक्षियों को बहुत नुकसान पहुंचता है. तो ये दो पिक्चर्स है स्टूडेंट्स, इनको अब आपको लेट्स राइट सेशन में डिस्क्राइब करना है. लुक एट द पिक्चर वन, राइट थ्री सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस. थ्री सेंटेंसेस यू हैव राइट, यू हैव टू राइट व्हाट डू यू गेट फ्रॉम ट्रीज. तीन सेंटेंस आपको लिखने हैं, वो चीजें जो पेड़ हमें देता है. तो आइए लिखते हैं. सबसे पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट में ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन. हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु पेड़ से ही मिलती है. ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन. ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स भी देते हैं और साथ में वेजिटेबल्स भी देते हैं. फ्रूट्स एंड फल और सब्जियां. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. एंड देन और पेड़ हमें क्या देते हैं? ट्रीज मेडिसिन भी आप पेड़ में पिक्चर में देख सकते हैं. मेडिसिन बनी हुई है. ट्रीज गिव्स अस मेडिसिन. गिव अस मेडिसिन. बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिनका प्रयोग हम दवाइयां बनाने में करते हैं. सो ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, गिव अस मेडिसिन. नाउ पिक्चर टू, यू हैव टू राइट थ्री सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज. हम पेड़ को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं. सो पिक्चर टू स्टूडेंट्स, दिस इज वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब पिक्चर टू. पिक्चर टू हम क्या करते हैं, पेड़ों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं. वी कट ट्रीज फॉर आवर नीड्स. हम अपनी जरूरतों के लिए पेड़ों को काट देते हैं. नाउ वी कॉज पॉल्यूशन. हम पॉल्यूशन करते हैं जिससे पेड़ों को नुकसान पहुंचता है. वी कॉज पॉल्यूशन. और हम क्या करते हैं? वी बर्न वुड फॉर फायर. हम पेड़ की जो लकड़ी है उससे आग जलाने में भी प्रयोग करते हैं. वी बर्न वुड फॉर फायर.
फायर, और आग का प्रयोग चाहे वो खाना बनाने के लिए हो, पानी गर्म करने के लिए हो, या कुछ मशीनों को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है। सो स्टूडेंट्स, पिक्चर टू, जिस तरीके से हम हार्म पहुंचाते हैं पेड़ को, कट ट्रीज फॉर आवर नीड्स, हम अपनी जरूरतों के लिए पेड़ को कट करते हैं। बिकॉज पॉल्यूशन, हम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, गाड़ियों का चाहे वो धुआं हो और चाहे आसपास फैली गंदगी हो, तो वो सब पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक है। वी बर्न वुड फॉर फायर, हम पेड़ की लकड़ी को आग जलाने के लिए प्रयोग करते हैं। सो दिस इज लेट्स राइट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज दीज वर्ड्स डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ अ ट्री। नीचे जो वर्ड्स दिए हैं ये ट्री के पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। राइट देम इन द गिवन स्पेस, आपको इन्हें स्पेस जो दी हुई है, जगह दी है, वहां पर लिखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट एक्सरसाइज इन लेट्स राइट सेक्शन, दीज पार्ट्स डिस्क्राइब द ट्रीज, यू हैव टू राइट अबाउट देम। सो स्टेम, स्टेम क्या होती है? इट हेल्प्स द ट्रीज टू स्टैंड। स्टेम जो पेड़ का तना होता है, वो पेड़ को खड़े होने में सहायता करता है। बार्क, बार्क कहते हैं पेड़ की छाल को। आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री, पेड़ के आसपास जो छाल होती है मोटी, उसे बार्क कहते हैं। लीव्स, फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट, लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। पत्तियों को पेड़ की क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यही सनलाइट की सहायता से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से पेड़ में फल बनाती है। ब्रांचेस, टहनियां, दे ग्रो फ्रॉम स्टेम। टहनियां क्या होती है? जो पेड़ के तने से निकलती हैं और फिर चारों तरफ फैल जाती हैं। ट्विग्स, ट्विग्स कहते हैं जो कमजोर ब्रांचेस होती हैं, टहनियां होती हैं, थिन वीक ब्रांचेस। रूट, इट होल्ड्स द प्लांट इन द सॉइल। रूट कहते हैं जड़ को, जो पेड़ को पकड़कर रखती है, मिट्टी में खड़ा होने में मदद करती है। शूट, शूट है द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट अबव द सॉइल। मिट्टी के ऊपर जो पौधे का ऊपरी हिस्सा है, उसको हम कहते हैं शूट। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मैच द एक्सरसाइजेस, मैच द अपोजिट्स। दो कॉलम दिए हैं स्टूडेंट्स, एक कॉलम में वर्ड्स लिखे हैं, दूसरे कॉलम में उनके अपोजिट्स लिखे हैं। आपको वर्ड को उनके अपोजिट से, अपोजिट यानी विलोम शब्द से मैच करना है। सो आई एम गोइंग टू राइट हेयर द अपोजिट इन फ्रंट ऑफ द वर्ड। मैं यहाँ पे शब्द के सामने उसका अपोजिट लिख रही हूँ, आप अपनी बुक में उसे मैच कर लेंगे। डाउनवर्ड, अपोजिट इज अपवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ। स्लोली, स्लोली का अपोजिट है फास्ट। फास्टली आप कह सकते हैं, बट आपके बुक में जो ऑप्शन है वो है फास्ट। लिटिल, लिटिल बिग, लिटिल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा। स्लेंडर, स्लेंडर मतलब स्लिम, पतला, और इसका अपोजिट होगा फैट, मोटा। माइटी, माइटी मीन्स बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल, तो इसका अपोजिट जो आपकी बुक में है, वीक, कमजोर। डे मतलब दिन, और इसका विलोम हो गया रात। सो स्टूडेंट्स, दीज अपोजिट्स यू विल मैच इन योर बुक। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपकी हमने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट की, चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया स्टूडेंट्स। नाउ राइट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। प्रेस ऑन लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आप और वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।